नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसा है, उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सारे रूल्स अप्लीकेबल होंगे। दो डायरेक्टर उसमें चाहिए रहेंगे, दो डायरेक्टर की सारी केवाईसी उसमें लगेगी, और इसके अलावा उनके लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट की हमको जरूरत पड़ती है। हमको एक प्रोजेक्शन की आवश्यकता है कि हम सबसे पहले एक प्रोजेक्शन हमारे पास बना लें कि हम काम किस तरीके से करने वाले हैं ये कंपनी शुरू करने से पहले। इसके बारे में सेक्शन 8 लाइसेंस के लिए सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। लाइसेंस सेक्शन 8 का अप्लाई करने के लिए हम लोगों को रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में स्पेशल फाइलिंग करनी पड़ती है। वो स्पेशल फाइलिंग के समय हम लोगों को कुछ कुछ डिक्लेरेशन भी देने पड़ते हैं कि हम क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। वहां की प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होती है, उस फॉर्मेट में हम लोगों को डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। मेरा सजेशन है, आप हमेशा या तो खुद फाइल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल्स को फाइल करना चाहिए ताकि गड़बड़ी ना हो। सेक्शन 8 लाइसेंस मिलने में काफी समय लग जाता है दोस्तों, नहीं तो कहीं पे एक महीने से लेके चार महीने, पांच महीने, और कई जन को मिलता ही नहीं है। फाइल कर करके परेशान हो जाते हैं, प्रोजेक्ट छूट जाता है। तो हम लोगों को हमेशा प्रोफेशनल हायर करना चाहिए कंपनी फाइलिंग के लिए। कोई भी असुविधा होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, हम क्वेरी इंक्वायरी करने में ही अपना जीवन ना निकाल दें, थोड़ा काम भी आगे करें। ये पैसा वो पैसा आप लोग पता जरूर करिए, लेकिन डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। किसी से भी काम कराइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन डिसीजन लेकर आगे बढ़िएगा। तो एक बार फिर से बता दूं, सेक्शन 8 का लाइसेंस सबसे पहले लेना पड़ेगा। सेक्शन 8 का लाइसेंस लेने के लिए आपने जो रीजनल डायरेक्टर को फाइलिंग कर दी, अगर उनका कोई भी क्वेरी नहीं आया तो फिर आपको सेक्शन 8 का लाइसेंस मिलने की पूरी संभावना है। लाइसेंस जैसे ही मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कौन कौन सा काम आप कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, राइट। जब लाइसेंस मिल गया तब आरओसी में हम लोग को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आरओसी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट हमने डाले वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो कि लाइसेंस में लिखे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लाइसेंस में लिखे हुए हैं, वो सब टर्म्स एंड कंडीशन उसमें इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए, उसके हिसाब से बनने चाहिए। अब हम लोगों को आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो फाइलिंग करनी है उसमें हम लोग को लाइसेंस की कॉपी लगानी पड़ेगी, डायरेक्टर्स के पूरे डिन लगेंगे। जो डायरेक्टर्स हैं, दो डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, तो दो डायरेक्टर के डिन लगेंगे। डिजिटल सिग्नेचर हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है, उनके केवाईसी पूरे ऐड होने वाले हैं, मेमोरेंडम लगने वाला है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगने वाला है। इसके अलावा एडिशनल डिक्लेरेशंस पॉसिबल हैं, वो डिक्लेरेशंस हम लोग अपने तरफ से लगाते हैं। उसके बाद भी अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लगता है कि कुछ चीजों की और इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन लगाना पड़ेगा, तो हमारी फाइलिंग करने के बाद वो हम लोगों को रीसबमिशन देते हैं। हम रीसबमिशन में उन क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों एक बार सिंप्लीफाई करता हूं पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सेक्शन 8 लाइसेंस लेना है। सेक्शन 8 लाइसेंस लेने के लिए जो दो प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स होंगे, मिनिमम दो जन की डायरेक्टर की जरूरत रहती है, वो दोनों के डिन, डिजिटल सिग्नेचर, केवाईसी, ये सारे चीजों को लेकर हम लोग को एक लाइसेंस के लिए डालना पड़ेगा, जो कि स्पेसिफिक फॉर्मेट में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे और फॉर्म्स भरने पड़ेंगे रीजनल डायरेक्टर सर, जो हमारे होते हैं हमारे एरिया के, जिस एरिया में आप काम करना चाहते हो, जहां आपके रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बेसिस पे तय होता है। तो रीजनल डायरेक्टर सर के पास आपने डाला तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट आना है, और अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आया तो क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप हो गया रीजनल डायरेक्टर सर के पास फाइलिंग, और वहां से हमारा लाइसेंस आना। लाइसेंस आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में फाइलिंग करना पड़ेगा। फाइलिंग के लिए हम लोगों को अपना सर्टिफिकेट लगाना है सेक्शन 8 लाइसेंस का। उसके अलावा सारे केवाईसीज, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी आपकी रहेगी, उसकी रेंट एग्रीमेंट, उसके बाकी सारे डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे डायरेक्टर्स के लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मिलाकर हम लोगों को वापस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में फाइलिंग कर देना है। वहां की कुछ क्वेरीज होंगी तो वो क्वेरीज को भी हैंडल करना है। हो गया तो लाइसेंस आपका। लाइसेंस बनने के बाद काम कैसे करना है ये एक और क्वेरी है। इसके लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की जरूरत है। हम लोग बैठे हुए फीस चार्ज करते हैं। नॉर्मल इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमेशा आपके लिए तैयार है।
प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए तो फीस देने के लिए जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि आपके इनकम के लिए और आपके ग्रोथ के लिए हम बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा मिशन है सारे लोगों को बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमेशा समय पर पहुंचाना, और जब जब जो जो लगे मैं अपने क्लाइंट्स के क्वेरीज और कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूअस वीडियो बनाता चला जा रहा हूँ। आप कमेंट देने में पीछे ना हटे, आपके हिसाब से भी वीडियो बनने वाला है। धन्यवाद।